अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही क्विक और इजी केक की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। यानी है तो ये बेसिक केक, लेकिन आप चाहें तो इसको वनीला केक बना लीजिए, चॉकलेट केक भी इससे तैयार किया जा सकता है। तो जिस तरह से आप चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में शामिल कीजिए 2 eggs रूम टेम्परेचर पर। एड शुगर, ओके, गिराना नहीं। ओके ओके, डू इट डू इट, ओके दैट्स ग्रेट। ओके नाउ गो। पुट इट, ओके, थैंक यू, नाउ गो। फिर इसमें मैंने शामिल किया आधा कप चीनी, आप चाहें तो 1/3 कप तक भी ऐड कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस शामिल करें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें जाएगा 6 टेबल स्पून के जितना मिल्क, और फिर दोबारा से थोड़ा मिक्स कीजिए, और फिर आखिर में जाएगा 1 कप मैदा प्लस 3 टेबल स्पून और, यानी 1 कप प्लस 3 टेबल स्पून और आपने शामिल करना है मैदा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस फिर इसको छान लीजिए। बैटर जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, बस आपने इसको मिक्स करना है इतना कि ये बैटर स्मूद हो जाए केक का। 7 या 8 इंच का लें केक पैन, उसको ग्रीस करें और लगा लें बटर पेपर। फिर केक का बैटर डाल के थोड़ा टैप करें और बेक कर लें। विदाउट ओवन बनाएं तो 50 to 60 मिनट आपको लगेंगे पॉट में, और मैं यहाँ पे एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर होगा 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 25 से 30 मिनट इसको लगेंगे बेक होने में। यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, और केक आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। एक तो इसको बनाना बहुत आसान है, और देखें इसका कलर भी कितना अच्छा आया। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको पैन में से निकाल दीजिए। एक छोटी सी सेलिब्रेशन, क्योंकि किरत अनाया को हमेशा यही लगता है जब भी मैं कोई केक बेक करूं कि आज उनकी बर्थडे है। सो मैं भी उनको फील नहीं करवाती कि नहीं है, तो कितनी देर लगती है, मैं उनकी खुशी के लिए जो है वो कैंडल लगा के कट करवा देती हूँ। तो खैर, ये यहाँ पे एक स्लाइस कट किया आप लोगों के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और लाइट बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज मेरा यहाँ पे इंस्टा स्टोरी बनाने का मकसद ये है कि आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट अ हेयर ऑयल दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड लविंग. सो इट्स कॉल्ड हुमा इन द किचन मैजिकल हेयर ऑयल एंड इट्स ऑल ऑर्गेनिक. सो एज यू गाइस नो के आई हैड अ सेकेंड बेबी जस्ट लाइक 2 months back, and you guys know, okay, yeah. So after the delivery, there is usually after like 2-3 months ke baad, there is excessive hair loss. So you know, I was just wondering and thinking, you know, ki mujhe aisa kya apni routine mein karna chahiye? What should I do, or what hair product should I use to decrease the hair loss? So I came across this hair oil. It's by Huma, and I'll post the link below, and I even tag her and everything. So I came across this hair oil and I have read so many good reviews about it, and even I will, you guys can even go to her profile and see the photos and see the before and after results, and you guys will be amazed how good her hair oil is. And even now, like just after two using this twice, I feel such a big difference in my hair texture. Like my hair feels so soft. So yeah, I'm really excited to use this, you know, permanently and natty. And she ships her hair oil worldwide, you know, all over Pakistan ho, India ho, UK, US, anywhere, you know, you name.